उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में मासूम मौत के साए में शिक्षा प्राप्त करने को मजबूर है। प्राइमरी स्कूल के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइन के चलते मासूमों की जान पर बन आई है। कई बार आला अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद ना तो अभी तक इस गंभीर समस्या का निवारण किया गया है और ना ही अभी तक इस पर कोई ठोस कदम उठाए गए हैं। पनवाड़ी विकास खंड के अलीपुरा गांव में प्राइमरी स्कूल के हालात काफी भयावह हैं। स्कूल के करीब में रखे ट्रांसफार्मर से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइन से मासूम बच्चों को जान का खतरा बना हुआ है। कई बार स्कूल प्रबंधन और ग्राम प्रधान द्वारा प्रशासन से हाई टेंशन लाइन को हटाने की मांग की जा चुकी है, तो वहीं अधिकारियों को इस ओर ध्यान न देना बड़े हादसे के इंतजार की ओर इशारा कर रहा है। ये हमारा स्कूल प्राइमरी है, प्राथमिक विद्यालय अलीपुर नवीन, और बगल में पूर्व माध्यमिक जूनियर विद्यालय है। ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो यहाँ बच्चे खेलते हैं आने जाने में, और ये आवाज़ देता है करंट की आवाज़, और कभी कभी वो तिलगा भी छूटते हैं, तो हमारे बच्चों को खतरा रहता है। हम अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं कि हमारे बच्चों के यहाँ कुछ व्यवस्था कीजिए, ले आज तक कोई सूचना उन्होंने नहीं दी, न कुछ कार्रवाई कर रहे इसकी। ये समस्या है कि जो 11,000 पावर की जो लेन निकली हुई है, इसमें बाबूजी कई घटना हुई, वो कई परेशानी हुई, कई दफ़े सुनाई भी हम और ने करी, हमारे लोगों की कोई सुनाई नहीं हुई, कोई सुनाई नहीं। यही परेशानी हमारे लिए बड़ी समस्या है बाबूजी हमारे लिए। यहाँ की समस्या ये है कि यहाँ पे 11,000 की लाइन जो है, ये बस्ती के अंदर प्राइमरी और जूनियर जो सरकारी बिल्डिंग है स्कूल, उनके ऊपर से निकाल दी हुई है, और ये खतरा आए दिन, मान लो एक मकान पड़ रहा है, वो मकान वाले परेशान हैं, कमर छत के ऊपर से लाने के लिए बच्चे छत पर जाते हैं, तो ये हमेशा के लिए खतरा हो गया है, और अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी उन्होंने इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।